हाई एवरीबडी आई एम रोहित स्टोल्ड लॉट बहुत सारी उसमें से ऐसी थी मैं भी भूल गया था सो थिंग इज दैट आई एम वन ऑफ यू सबसे पहली चीज़ ये है दिनली थिंग इज दैट आप लोग अभी उस जर्नलिज्म में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो शायद जिसमें मैं आके बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ उससे सो How many of do you think actually you are working journalists? None of us, that's good. क्योंकि मेरा जो एक आइडिया uh, है वो कुछ लोगों को बड़ा क्रांतिकारी लगता है कुछ लोगों को लगता है कि क्या बकवास है लेकिन मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में कहीं जर्नलिज्म है नहीं शायद जो आप लोग कर रहे हो वो फिर भी जर्नलिज्म है लेकिन जो टीवी चैनल और अखबार कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है तो मैं जो मानता हूँ वो ये है कि आज के दौर में जब बिज़नेस हाउसेज़ मीडिया हाउस चला रहे हैं और ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है पहले तो बुरा लगता था इस बात को ये बताना कि इस मीडिया हाउस में इस बिज़नेस हाउस का इतना पैसा लगा है आज ओपनली ये आप अखबार के पेज पे लिखते भी हो और टीवी चैनल के ओनर्स को भी सामने आके बताने में कोई आपत्ति नहीं होती कि हम बिजनेस में हैं ये हमारे बिजनेस हैं और इसमें से एक हमारा टी चैनल भी है तो हम टी चैनल भी चलाते हैं सो so, मुझे लगता है कि जैसे साबुन तेल कंगा बिकता है दुकान पे वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं एंटरटेनमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिटिक्स की खेल की बिजनेस की ये उतना इक्वलेंट है तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं सेल्समैन हूँ जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो वो चार साबुन रखे हुए हैं लेकिन उसकी अपनी कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो उसको बेस्ट बताता है आपको ये छुपाते हुए कि हो सकता है इसके आपको स्किन की एलर्जी हो जाएगी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लेकिन वो आपको वही बेचना चाहता है कि आप ये खरीद लीजिए सेम इज़ विद मी कि भाई मैं सेल्स मैन हूँ तो मैं अपनी कंपनी का सामान आपको सबसे अच्छा बताऊँगा और बाकियों के सामान को या तो मैं कपड़े से ढक दूँगा कोशिश करूँगा आपके सामने ना पड़े या कहीं आपने देख भी लिया आपने तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की तो मैं कहूँगा कि नहीं नहीं ये वाला नहीं ये घटिया है इधर वाला देखो ये बढ़िया है इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे सो so, आज के दौर में फिर जो आप ढूंढ रहे हो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वो आके ना कहीं फंस जाता गले में भाई ये कैसे होगा जैसे आज ही का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कल सारे अखबारों में पहले पेज पर पे अखबार में खबर थी और टी चैनल्स पर पूरे दिन भर रेल के चली कि मुंबई में एक सत्तर साल के आदमी की ए की लाइन में लगने की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई ठीक है सबने चलाया कि देखिए यार सरकार ने क्या कोहरा मचा रखा है बताइए पाँच सौ हज़ार के नोट बंद कर दिए बेचारा आदमी मर गया लाइन में खड़ा हुआ था आधे घंटे खड़ा रहा उसको हार्ट अटैक हो गया एच के ए के बाहर लाइन में लगे हुए थे उनकी मृत्यु हो गई कल दिन भर चलता रहा आज केवल एक अखबार ने माफीनामा छापा है और उसने बताया है कि एच का कहना है कि हमारा कोई ए ही नहीं है उस जगह पर जिस जगह पर आप खबर छाप रहे हैं कि एक आदमी मर गया हमारी लाइन में लग गया ना किसी टीवी चैनल ने उस पर माफी मांगने की जहमत उठाई न किसी टीवी चैनल ने यह बताने की जहमत उठाई कि एच एस बी सी बैंक का ये वर्जन है क्योंकि वो बताएगा तो लोग पूछेंगे कि भाई कल तो तू कह रहा था लाइन में लगे हुए मर गया वहां पे आदमी तो इसका मतलब वो क्या चाट गोलगप्पे की लाइन में लगा हुआ था या वो कहीं ट्रेन टिकट की लाइन में लगा हुआ था या वो किसी और चीज में था जिसको कि आपने आज के मौसम में देखा कि इस बात से खबर बिक जाएगी तो उस बात से जोड़ के उसको बेच दिया गया कल मेरे पास दिन में तीन जगह से ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस आए जिसमें विजुअल्स थे दिख रहा था एक मॉल के अंदर भयंकर मार मची हुई थी लोग सामान लूट लूट के खींच खींच के बासमती चावल के इकट्ठे लेके जा रहे थे और बताया गया कि इस दिल्ली में हुआ है और एक मॉल को लूट के ले गए लोग क्योंकि कैश था नहीं अब घर का सामान तो चाहिए उनका पेशेंस जवाब दे गया तो वो कैश लूट के वो सारा सामान लूट के ले गए तो ये तो समाज के अंदर ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो फिर हम लोग

और फिर अपनी दुकानों पर जाके उसको रिटेल में बेच देते हैं लेकिन क्या हुआ कल उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया जब वो झगड़ा हो गया तो आपस में बहसबाजी कर रहे थे सामान एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे तो किसी ने वीडियो बना लिया और फिर उस वीडियो को यह कह कहकर प्रचारित किया गया कि देखिए दिल्ली में दंगा हो गया क्योंकि कैश नहीं मिल रहा लोगों आप सोचिए अगर ये किसी टीवी चैनल पर चल जाता तो क्या होता वही होता जो परसों रात को हुआ था कि पूरी दुनिया पहुंच गई कैश नहीं है जेब में लेकिन चार सौ रुपये किलो नमक सबने खरीद लिया भाई जब कैश ही नहीं था जब आप लाइनों में लगे हुए थे आप कह रहे थे कि बैंक से पैसे नहीं निकल रहे हैं एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं बैंक में अंदर जाने का नंबर नहीं आ रहा है तो फिर आपने चार सौ किलो नमक के लिए कैश कैसे दिया कहां से लेके चले गए आप लोग तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो है ना वो अफवाह पर हो जाती हैं आप लोग तो शायद बहुत छोटे रहे हो तब जब गणेश जी दूध पीने लगे थे और केवल इंडिया में नहीं पी रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में जापान में सब जगह गणेश जी दूध पीने लगे थे अचानक टीवी पे और मैं ये जानते हुए मैं बहुत छोटा था तब हूँगा शायद दस ग्यारह साल का मैं जानते हुए कि भाई ये दूध नहीं पियेंगे मैंने भी अपने चम्मच में दूध डाला और जो मेरे घर में गणेश जी थे मैंने उनके मुँह पर लगा दिया और जब लगा दिया तो वहाँ सारा दूध 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 गिरता रहा तो थोड़ी देर के बाद मेरी वहाँ ही उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है ये ये क्या है हमने कहा जी दूध पी रहे हैं गणेश जी तो मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था तो उन्होंने कहा ये मतलब मैंने कहा टीवी नहीं देखा आपने सुबह से टीवी पे चल रहा है सब जगह गणेश जी दूध पिए जा रहे हैं और जब मंदिर के बाहर माहर मची हुई है देखो लोग वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है सब दूध पिला रहे हैं गणेश जी और गणेश जी पी रहे हैं तो मेरी माता जी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग में ठीक है कि टी वी देख देख के पागल हो जाओगे ऐसे एक दिन मैंने कहा जी ये अपने वाले भी पी रहे हैं देखो मैं कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ और जितना गिर रहा है उससे ज़्यादा वो पी रहे हैं तो तुमने कहा अच्छा चले लगा फिर से तो मैंने फिर से चम्मच लगाया तो फिर उन्होंने दिखाया कि ये देखो ये अखबार जो नीचे पीछा सत्यानाश तुमने इसका कर दिया पूरा गल गया ये ये अखबार दूध पी रहा है ये गणेश जी दूध नहीं पी रहे तुम्हारे फिर मुझे लगा कि अच्छा मंदिर में भी देखना चाहिए भाई मंदिर में कैसे पिए जा रहे हैं तो मैं मंदिर गया तो मंदिर में जाके देखा वो गणेश जी के नीचे से जो नाली जा रही थी पीछे से सारा दूध वहीं जा रहा था और टी वी चैनल पर क्योंकि चल रहा था तो सारी दुनिया अपने अपने घर से लोटे में दूध ले लेके पहुँच रही थी गणेश जी को दूध पिलाने के लिए सेम थिंग वी आर रिपीटिंग टूडे रिस्पॉसिबल जर्नलिज्म कहाँ आके खड़ा होता है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म यहीं आके खड़ा होता है आपने अभी तीन केस स्टडीज़ देखी आप मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी ने इन तीनों में से एक के बारे में भी टीवी पे कभी देखा हो अखबार में पढ़ाओ कि ई मित्र नाम की एक योजना चल रही है में आपने पढ़ा क्योंकि सरकार छपवा रही है कुछ अच्छी चीजें भी होती है क्या खबर का मतलब सिर्फ यही है कि जो खराब हो रहा है वही खबर होगी भाई अगर नोट बदले जा रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होगा अगर वो कह रहे हैं कि इससे हम ब्लैक मनी को वाइप आउट करना चाहते हैं आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि आप यहाँ इतने पौष इलाके के एटीएम में भी अगर अपना डेबिट कार्ड डाल रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें असली नोट आएगा हो सकता है नकली आ जाए आप चार में से दो आपके पास अगर वो उसको वाइप आउट करने के लिए एक एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को बताया जाए कि क्यों ये बदलाव करने की जरूरत पड़ी है उससे क्या फ़ायदा होगा उससे क्या क्या दिक्कतें दूर होंगी हाँ ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये भी बताना हमारा काम है और जो लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं इतनी इतनी देर तक उनको यह बताना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना एक टी चैनल के नाते कि भाई इकतीस तीस दिसंबर तक का टाइम दिया गया है आपको आज नहीं बंद हो गया है तीस दिसंबर तक आप जाके कभी भी अपने बैंक से पैसे चेंज कर सकते हो कितने भी पैसे अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो तो फिर आज मार मचाने की क्या जरूरत है वेट फॉर सम टाइम मेरे घर पर जहाँ पे मैं रहता हूँ नीचे हर चीज़ अवेलेबल है सोसाइटी के नीचे बेसमेंट की जो पार्किंग है मार्केट है उसमें रेस्टोरेंट बाल काटने वाला सलून इंटरनेट फैसिलिटी फोन फैसिलिटी एयरटेल वोडाफोन सब्जी वाला एवरी कांड ऑफ अ शॉप इज देयर एंड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड पेटीएम एज वेल के यहाँ स्टिकर लगे हैं पेटीएम एक्सेप्टेड और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां की जो एवरेज एज है लोगों की वो है पैंतीस से अड़तीस साल के बीच में एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग कपल्स हु यूज टू मोबाइल फोन्स विद इंटरनेट फैसिलिटी हु डेफिनेटली हैव नॉट लेस देन फोर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स इन ईच हाउस होल्ड लेकिन कल जब मैं नीचे उतरा तो मेरी सोसाइटी के नीचे जो एस का ब्रांच है वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी पूरा बाहर का जितना भी एरिया था सब भरा हुआ था पूरा भरा हुआ था शॉर्ट्स टी शर्ट जूते पहने हुए बच्चे को साथ में लिए हुए अपना चश्मा चश्मा लगा के लोग खड़े हुए लाए गए तो मैं भी जा रहा था मैं भाई क्या कर रहे हो पैसे निकालने आए हैं मैंने क्या करोगे पैसे निकाल के अरे रखने काम आते हैं कभी कभी जरूरत पड़ जाती कभी मैंने कहा वो सब्जी वाले के यहाँ बोला हां मैंने वो तो कार्ड लेता है कार्ड दे दिया करो ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं लेता बोला अरे और भी जगह जाना पड़ता है मैंने कहा ये नाई के है बाल काटने वाले के यहाँ बोला हाँ इसके यहाँ भी जाना पड़ता है मैंने तो यही कार्ड लेता है यार और पेटीएम का स्टिकर भी लगाया उसके यहाँ हमारे पास तो, तो पेटीएम भी होगा मोबाइल में तो बोला हाँ पेटीएम तो है मैंने तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो बोला अरे यार और पचास जगह होती है जहाँ पैसे की जरूरत पड़ जाती है मैंने कहा बताओ तू कहा एक तो बताओ बोला ग्रोसरी मैंने कहा वो देखो बाहर लिखा है अमेरिकन एक्सप्रेस ऑल्सो एक्सेप्टेड यानी कि बाकी तो ले ही रहा है ये भी कार्ड लेता है तो क्यों आयो ये तो बता दो क्यों खड़े हो बोला यार 2000 का नया नोट आ रहा है सेल्फी एल्फी लेंगे यार तो हम भी डालेंगे अब जिसकी जरूरत है जिस आदमी के पास गांव में जाके वापस उसको दुकान से डीलिंग करनी है जहां पे वो कैश एक्सेप्ट करता है केवल स्वाइप की मशीन नहीं है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है पेटीएम से जानकारी नहीं है उसको उसका तो समझ में आता है कि वो आके लाइन में लग रहा है उसको जरूरत है हम लोग क्या कर रहे हैं वहां खड़े होके हम लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं हम लोग माहौल खराब कर रहे हैं हम लोग कुल मिला के उस बैंक के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेशर में है कि उसको इतने समय के अंदर इतनी सारी जनता के साथ डील करना है जो ऑलरेडी अपनी छुट्टी छोड़ के अपने काम धाम छोड़ के सारे घर परिवार छोड़ के जिसने लॉन्ग वीकेंड प्लान किया होगा फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है मैं बाहर चला जाऊंगा हो गया ना सब बैंक तो खुल गए सैटरडे संडे को तो सोचो वो मन में कितनी गाली दे रहा होगा नोट बदलते हुए उसको और वो कितने फलेंगे नोट जिसने गाली देते हुए हाथ में दिए हैं तो तो so, मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये भी तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का हिस्सा है कि हम लोगों को आगाह करें चीज़ों को लेके हम लोगों को जानकारी दें चीज़ों को लेके हम लोगों को हमें हम जब पढ़ाते थे तो कहते थे आइस यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट हम आजकल केवल एंटरटेन ही कर रहे हैं हर चीज़ में हमें लगता है भाई एंटरटेनमेंट हो जाए बस बहुत है पब्लिक जो है रिमोट का इस्तेमाल नहीं कर ले बाकी सब ठीक है सो so, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाओ कि भाई एक आदमी घर से निकला था ऑटो में जा रहा था ऑटो वाले ने उसको घेर लिया कि अच्छा तेरा बैग तो जो है वो गाय की चमड़ी से बना हुआ है साले तू पिट के जाएगा आज मेरे से और उसके बाद उसने चार गोरक्षक गुंडे भी बुला लिए और पूरा डेढ़ दिन टेलीविजन पर इस पर डिबेट होती रही कि गोरक्षक तो गुंडे हैं और देखिए जी आज तो आम आदमी का हाथ में चमड़े का बैग लेके निकलना भी मुश्किल हो गया भाई वो ऑटो वाला खुद जूते पहने हुए चमड़े के उसने भी बेल्ट लगाई है चमड़े की उसकी जेब में भी चमड़े का पर्स होता होगा तो वो किस आधार पर सामने वाले को पकड़ के कह देगा और वो एक को ही क्यों कहेगा फिर तो और भी सारे ऐसे केसेज होने चाहिए लेकिन नहीं डेढ़ दिन उस पर डिबेट चलती रही सारे अखबारों ने फ्रंट पेज पे उसको कैरी किया कि हिंदुस्तान में तो भाई बड़े हालात खराब हो गए उसके एक महीने बाद क्या होता जब पुलिस जांच कर लेती है पूरी तो पता लगता है कि जो टाइमिंग्स उस आदमी ने बताए थे कि जी मैं ग्यारह बजे घर से निकला था वो ग्यारह बजे निकला ही नहीं वो तो एक बजे अपने घर से निकला उसकी सोसाइटी का सीसी टीवी बताता वो कहता है कि मैंने सवा ग्यारह ऑटो बोर्ड किया था

कुछ पता नहीं और फिर पकड़ा कहां से जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के घर नेता के घर से वो पकड़ा जाता है तो इसका मतलब वो प्लांट था और वो प्लांट था उस प्लांट को पूरे देश में फैलाने वाले कौन थे हम लोग टीवी चैनल वाले अखबार वाले जिन्होंने फाइव डब्ल्यूज वन एच तक को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि भाई तू कहां था कब था कैसे था क्या कर रहा था क्यों कर रहा था वो भी नहीं किया बस क्योंकि उसने कहा जी मैंने थाने में कंप्लेंट लिखा दी है तो हमने जो है बाइबल का वाक्य उसको पन्ना मान लिया एफ की कॉपी को या कंप्लेंट की कॉपी को और उसके आधार पर हम चढ़ बैठे लेके कि देखो साहब ये हो रहा है इस देश में यहाँ तो भैया आप तो आम आदमी का चलना जीना ही मुश्किल हो गया इतनी मोदी ने करवा दी कमाल है कोई बात नहीं चलो ठीक है इस पर भी किसी ने माफी नहीं मांगी किसी टीवी चैनल ने आके फिर आपको ये नहीं बताया वापस कि जो एक महीने पहले मैंने डेढ़ दिन डिबेट की थी भाई साहब वो गलती से कर दी थी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और आज मैं आपको इस आदमी की शक्ल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से पहचान लो और यह वाकया दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली बार आपके सामने कोई ऐसा वाकया आए तो आप इस तरह की बातों में पढ़ने से पहले उसके सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करें क्रॉस चेक करें लेकिन नहीं ना किसी टीवी चैनल ने बताया ना ही किसी अखबार ने बताया क्यों नहीं बताया नहीं बताया क्यों क्योंकि हम कभी वापस जाके क्वेश्चन नहीं करते हम कभी वापस जाके उनको यह नहीं कहते कि बॉस वो जो आपने कल गलत दिखाया था उस उसमें माफी कब मांगोगे वो जो आपने मिस इन्फॉर्म किया था उस पर सॉरी कब बोलोगे वो जो आपने मुझे गलत जानकारी देके बरगलाया था उसके लिए आप शर्मिंदा कब हो गये? नहीं इसलिए आज की तारीख में जो आप कर रहे हो ना रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इसकी बहुत जरूरत है और हो सकता है आप टीवी चैनल में जाओ अखबार में जाओ आपको ये ना करने को मिले लेकिन आज आप जिस प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हो हैश टैग बी एंड मेक दिस विल हेल्प यू दिस विल हेल्प यू नॉट इवन बींग विजिबल बट टू स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब एंड उस कोई तो पर कोई आपके ऊपर रोक भी नहीं लगा सकता कि ये तुम क्यों कर रहे हो आज आपने वो जो ई मित्र का अपना प्रेजेंटेशन बनाया है आज आपने जो हैदराबाद के शिव पुलिस का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया मुझे मैं आपको बता रहा हूँ मैं हैरान हूँ इस बात से कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो टी वी पे अखबार पर क्यों नहीं आ रही हैं क्या टी वी और अखबार का काम ये नहीं है कि लोगों को अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है साइक्लोन प्रोन गाँव बन रहे हैं साइक्लोन प्रोन शेल्टर्स विकसित हो रहे हैं तो उसको बताया जाए अगर उड़ीसा विकसित कर रहा है तो आंध्रा भी कर लेगा यार अगर आंध्रा कर रहा है तो फिर बाकी कर्नाटका भी कर लेगा यार उनको भी तो जरूरत पड़ती है कभी ना कभी लेकिन नहीं हम तो सोचते हैं कि भाई हमारा काम केवल नेगेटिविटी को लेकर चलना है तो हम नेगेटिविटी को ही ले चलते हैं पॉइंट इज कि ये चेंज कैसे होगा चेंज ऐसे होगा कि आजकल तो सब चैनल कहते हैं ना कि ये मेरा हैश टैग है इस पर ट्वीट कीजिए ये मेरा ट्विटर हैंडल है इस पर ट्वीट कीजिए ये मेरा फेसबुक पेज है इस पर आके लिखिए सो दैट वी हैव टू डू उस पर हम लोगों को जाके क्वेश्चन करना पड़ेगा बार बार हम लोगों को जाके बार बार उनको याद दिलाना पड़ेगा कि बॉस परसों जो आपने गलती की थी उस पर आपने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक इस खबर के ये सारे फैक्ट्स तो आपने मुझे बताए थे लेकिन ये सारे फैक्ट्स आपने छुपा लिए थे ये आपने मुझे नहीं बताए थे और हमको कहना पड़ेगा उनको कि बॉस खबरों को रंग देना बंद कर दो कलर मत करो चीज़ों को अगर कोई आदमी मरा है तो उसको आदमी मरे की तरह रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो यार क्यों बताते हो हमको कि भाई मुस्लिम टैकी डाइड इन पुणे आप लिख देते हो कि दलित की मौत तो फिर ये क्यों नहीं लिखते बनिया की मौत क्यों नहीं लिखते ब्राह्मण की मौत क्यों नहीं लिखते पंजाबी की मौत क्यों नहीं लिखते कायस की मौत लिखो ना अगर जाति ही उसका पैमाना है अपराध को जांचने का या उसकी Uh, कितना जघन्य है उसको मापने का तो फिर सबकी जाति से लिखो और अगर जाति से रिपोर्ट करना अपराध को जघन्य मानने का पैमाना नहीं है तो फिर इंसान की मौत को इंसान की मौत की तरह ट्रीट करना शुरू करो और अपराध की जघन्यता अपराध की जघन्यता से ही तय करो उसकी जाति से मत तय करो लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोगों को उठना पड़ेगा हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा मैं कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को टेलीविजन रिमोट से क्योंकि टीवी चैनल को मैं आपको बता देता हूं मैं अकेला आदमी जो टीवी में काम करके भी इस तरीके से बोलता हूं कि टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है और एक सेकंड के हजार में हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो क्या करना आपको? तो है आपको बटन ही तो दबाना है भाई एक बटन दबा उसके बाद वो बोलता रहे अपना दूसरी तरफ जो बोल रहा है हु इज वॉचिंग एंड वेन नो बडी इज वॉचिंग दैट थर्स्ट डे वेन ही सी आर पीस ही विल लूज इज ब्रेड इन बटर सेकेंड आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पे जब लोग मुखर हुए तो टीवी चैनल्स को अपने तौर तरीके बदलने पड़े टी वी चैनल्स को लोगों के व्यू पॉइंट को फिर वापस टीवी के स्क्रीन पे जगह देनी पड़ी है भले ही वो नीचे उसके फॉर्म में देनी पड़ी हो भले ही वो सोशल मीडिया वॉइस के नाम पर लोगों को इन्वाइट करके देनी पड़ी हो लेकिन देनी पड़ी है और अब वो ये नहीं कर पाते कि भाई अपना एक तरफा रेंटिंग चलता गया चलता गया चलता गया और उसके बाद बंद करके बैठ गए कि चलो हमारा काम आज का खत्म आप तुम लोग अपना सो जाओ कल हम फिर आएंगे फिर तुमको ज्ञान देंगे किसी चीज़ पे और फिर तुम झेल के उनको सो जाना नहीं अब ऐसा नहीं होता तो उसके लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा और एक्टिव होने की ज़रूरत है आप जहां जहां भी अपने फील्ड में काम कर रहे हो आप बैंकिंग में कर रहे हो आप सोशल सेक्टर में कर रहे हो आप एडवर्टाइजिंग में कर रहे हो जिसमें भी कर रहे हो भाई आप वहां रहते हुए टीवी देखते हो अखबार पढ़ते हो जहां कोई गलत चीज़ आपको दिखती है यू शुड क्वेश्चन दैट वेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दे विल हैव टू डेवलप दिस डेवलप दिस हैबिट ऑफ आंसरिंग पीपल अभी तक तो क्या है कि एक चलता है ये भी हो गया कि भाई कुछ लोगों ने ज़्यादा सवाल पूछ दिए तो लोग भागी गए पहले खुद ही कहते थे आप मुझे यहाँ पे ट्वीट करिए आप मुझे यहाँ पे फेसबुक पे लिखिए आप मुझे यहाँ पे हैशटैग करके अपनी राय दीजिए और फिर लोगों ने देनी शुरू की तो भाग गए बोले गाली देते हैं गाली मत दीजिए लेकिन राय दीजिए और राय का सब सम्मान करेंगे राय के आधार पर लोगों को आगे काम करना पड़ेगा और जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके कर आएंगे जो आज लेके आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है टीवी चैनल्स को भी मजबूरन फिर ये बताना पड़ेगा कि भाई देश में सब कुछ ख़राब भी हो रहा है कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं ये भी हम आपके सामने लाना चाहते हैं हमने एक, एक एफर्ट शुरू किया है बीच में जिसको हमने पॉजिटिव न्यूज़ का नाम दिया है शुभ समाचार इंडस्ट्रीज उसके साथ जाके बात करके उसको ये कहने लगे कि भाई आप हम जो है आपके साथ टाइप करना चाहते हैं हम इस पर आपको आगे लेके जाना चाहते हैं काम को सो इसका मतलब हम जो कर रहे थे हम बिना इस बात की परवाह किए कि पता नहीं कोई देख रहा है या नहीं करते रहे तो वो नोटिस हुआ नोटिस होने के बाद वो उस लेवल से नोटिस हुआ जहां से हमने एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो नोटिस होने के बाद उन्होंने पूरे देश के साथ शेयर भी कर दिया ताकि और ज्यादा लोगों को ऐसा पता लगे और उनको ये एहसास हो कि, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं तो वो नज़रअंदाज नहीं होता हमेशा एक महिला से मैं मिला वो अचार बनाती हैं बिहार में और उनको साइकिल वाली चाची कहते हैं वो साइकिल पर रख के अचार लेके जाती हैं गाँव गाँव बेचने के लिए तो वो अपनी कहानी बता रही थी वो उस अचार से सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा करके आज उस एरिया में इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि विधवा विवाह जैसी प्रथा उन्होंने जो है वहाँ पर एक्टिवेट करवा ली कि जो लड़की कम उम्र में शादी की वजह से अगर उसका पति असमय मर गया है तो वो पूरा जीवन ऐसे क्यों बैठी रहे अब क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गई क्योंकि वो लोगों को रोजगार दे रही है क्योंकि लोग उससे अपना घर चला रहे हैं उसके बिजनेस के साथ जुड़ के तो लोगों की ये मजबूरी हो जाती है कि उसकी बात को सुने और जब उसकी बात सुनते हैं और वो बताती है उनको कि भाई मैं तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हूँ तो फिर वो इस बात को बेपरवाह होते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा दुनिया क्या कहेगी अरे बहू की शादी कर दी अरे लड़की का पति मर चुका था इसकी शादी क्यों कर दी लोगों ने वो करना शुरू किया आप सोच रहे हैं समाज में कितना बड़ा चेंज ला रही है वो एक औरत वो हिंदी बोल नहीं बोल पाती है वो इंग्लिश बोल नहीं पाती है लेकिन आज की तारीख में विदेशों में उसको बुलाया जाता है ताकि उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे सस्टेन करना है इसके लेक्चर लिए जा सकें वो बता रही थी कि लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई साइकिल पर बैठ के जाती है और वो बताती थी कि जेंट्स साइकिल थी मेरे पास तो मैं अपनी धोती को ऐसे बांध लेती थी गांठ बीच में कि भाई साइकिल चलाते हुए ना तो मेरा कपड़ा खुले ना फंस के मैं उसमें गिर जाऊं तो कह रही कि मैं जब जाती थी गांव से दूसरे गांव तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे हंसते थे मेरे मेरे बच्चे कहते थे मेरे बेटे कहते थे कि माँ तू मत जा लेकिन मैं उनसे कहती थी कि बेटा अगर मैं जाऊंगी नहीं तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगी कैसे और अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं तो क्या तुम लोग भी मेरी तरह अचारी बनाते रहोगे क्या कुछ तो हमें जीवन में आगे करना है तो आज वो उसको वहां उस लेवल पे लेके चली गई वेर पीपल आर लुकिंग अप टू हर लेकिन किसी न्यूज चैनल ने आपको ये दिखाई खबर नहीं दिखाई क्यों दे डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म सो वी नीड पीपल लाइक यू हु हैव अ ओपन माइंडसेट जो जिंदगी में केवल घटिया गंदा नेगेटिव जो हो रहा है मनोहर कहानियाँ नहीं देखना चाहते हैं वो जिंदगी में ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहते हैं जो कुछ बदलाव ला सकती हैं आपकी ज़िंदगी में नहीं तो किसी ऐसे आदमी की ज़िंदगी में जिसने उसको देखा उससे कुछ गेन किया और फिर वो भी उसकी दिशा में आगे बढ़ा एक कदम दो कदम आगे बढ़ाया बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनको पुष्ट नहीं मिल रहा होता इसलिए वो परेशान हो जाते हैं वो क्या छोड़ो यार क्या करना है लेकिन जैसे उनको कहीं एक दिख जाता है यार ये आदमी कर रहा है तो वो भी करने लगते हैं कि अच्छा वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता सो

Uh, sir, but there's another element to that. What I personally think is that uh, according to National Crime Bureau, the crimes against elites have increased. And also Kabi Kabi kuch cases, where there are voices against the establishment, against the government. So, in particular cases like these, where it's done properly, should not media houses be very clear and if it is proven that it was specifically against Aleph or minority. or if policy genuinely might have a strong loophole that also be be strongly encouraged and taken forward बिल्कुल मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ कहीं भी मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि उस चीज को ऐसा आदत मत बना दीजिए कि लोगों का उससे विश्वास हट जाए हर रोज आप कहेंगे भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया तो जिस दिन भेड़िया आएगा लोग मानेंगे नहीं कि वाकई भेड़िया आ गया मैं तो केवल ये कह रहा हूँ अगर आप हर रोज एक ही चीज छाप रहे हैं उस चीज को आपने इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में भर दिया है तो जिस दिन एक्चुअली ऐसा होगा लोग यकीन ही नहीं करेंगे फिर लोगों को लगेगा अच्छा रोज छापता है तो आज भी छापा ओके क्या फर्क पड़ रहा है सो so इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अपराध को अपराध की नज़र से देखिए हर अपराध को दलित अपराध मत कहिए लेकिन जिस दिन दलित अपराध हो उस दिन आप छापें तो उस पर यकीन हो जाए लोगों को उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर दिन उसको उस तरह से ना छापें देखो नंबर के साथ ये प्रॉब्लम तो है कोई उसको अपने पक्ष में यूज़ कर सकता है कोई उसको आपके विपक्ष में यूज़ कर सकता है ठीक है और जैसे इन्होंने भी एनसीआरबी के डेटा का एग्जांपल दिया है एनसीआरबी का डेटा कहता है एमपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है यूपी में दूसरे नंबर पर क्राइम है दिल्ली में तीसरे नंबर पर क्राइम अगेंस्ट वीमेन है लेकिन अगर आप एम स्टेट से कहोगे तो एम स्टेट आपको जो डेटा देगी अपने क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वो उसमें आपको ऐसे दिखाएगी आपको लगेगा कि इसका तो क्राइम है ही नहीं सर जब आपके पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं है मेजर करने का आपके यहाँ हर तरह से हर स्टेट में अलग एजेंसी है सेंटर में अलग एजेंसी है उन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एंड उसके अलावा हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ आज भी मैं मानता हूँ मोर देन फिफ्टी परसेंट केसेज गो अनरिपोर्टेड आप कैसे उस डेटा को ऑथेंटिक मान लो सो so, उस डेटा को भी चैलेंज उस डेटा को भी क्वेश्चन करते रहने की जरूरत है और साथ ही गवर्नमेंट्स को इस बात के लिए राजी करने की जरूरत है वो होगा नहीं हमारे देश में क्योंकि स्टेट में अलग सरकारें होती हैं सेंटर में अलग सरकार होती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो जाती है यूपीए की सरकार बनाना चाहती थी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाना चाहती थी नहीं बन पाया वही बीजेपी विरोध करती थी जिनके राज्य ज्यादा थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं बनाना चाहते आज की तारीख में वही बीजेपी वैसी ही एक बॉडी लाना चाहती है तो कांग्रेस के स्टेट्स विरोध करते हैं या कांग्रेस के सपोर्टिव स्टेट्स विरोध करते हैं कि भाई नहीं हम तो नहीं हम क्यों मदद करेंगे जब इन्होंने हमारे टाइम में मदद नहीं किया था सो पॉइंट के उस उनकी नज़र में हम लोग हैं ही नहीं आप और हम जो वोट डालते हैं उनकी नज़र में केवल ये है कि भाई अगली बार मेरी सरकार आएगी या नहीं आएगी और वो आएगी तो कैसे आएगी उसके लिए मुझे क्या क्या करके चलना है तो इसलिए वो उन डेटाज को और वो टीवी चैनल्स यूज नहीं करते उन डेटाज को वो टीवी चैनल्स पे बैठे उन पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं वो उसी डेटा को एक अपने पक्ष में बताया था दूसरा उसके विपक्ष में बताया था सेम डेटा को और कन्फ्यूज़ कौन होता है मेरे आपके जैसे जो बैठ के टीवी देख रहा है वो सोचता है यार इसकी बात को सही मानूँ या इसकी बात को सही मानूँ सो उस कन्फ्यूजन में फाइनली जिस दिन वोट डालना होता है वो जाके वोट किसको डालता है या तो अपनी जात वाले को डालता है या अपने पड़ोस वाले को डालता है या उसको जिसको उसके पापा ने कह दिया कि यार इसको डालना है तो इस बार डाल देते हैं तो उस कंफ्यूजन का वहां जाके रिजल्ट आता है एंड सो प्रॉब्लम का हल है ही नहीं अभी हमारे पास अगर हम सोचें कि भाई हाँ ये सॉल्व हो जाएगा या अचानक चार छह दिन में छह महीने में एक ऐसी एजेंसी आग खड़ी हो जाएगी जो हमें हिंदुस्तान का पूरा सेंट्रलाइज सही परफेक्ट डेटा देने लगेगी सॉरी संभव ही नहीं है अभी बैन तो लगा ही नहीं <laughs> कि कि, कि मैंने तो कहा आपको रिमोट से सर्जिकल स्ट्राइक करो <laughs> बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, लास्ट, लास्ट या, लास्ट या, एक दुकान से अगर आपने सामान खरीदना बंद कर दिया वो कितने दिन बैठी रहेगी शटर कितने दिन आप रहेगा उसका सी मैं किसी भी चैनल को बुरा नहीं कहता ठीक है लेकिन मैं ये कहता हूं ओके चलो फॉरगेट टीआरपी एंड एवरी थिंग दैट ऑल्सो इज अ डेटा ठीक है मैं तो ये मान के चलता हूं कि नंबर वन टू थ्री फोर फाइव कुछ होता नहीं भाई बीबीसी सी की तो फाइट हमने सुनी नहीं ये नंबर वन है ये नंबर टू है सो so मैं अपने को तो कम से कम बीबीसी सी के क्वालन मानता हूं क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ या जिससे भी मिलता हूं या जितने भी लोगों के बीच में इंट्रैक्ट करता हूँ ऐसा नहीं आप लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं जिन लोगों के बीच में जा रहा हूँ वेदर दे एवर वॉचड मी ऑन टी वी और नॉट वेदर दे डू वॉच मी समाइम ऑन TV or और नॉट लेकिन मैं यहाँ हूँ तो मुझे लगता है हाँ कुछ लोग इनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे कभी ना कभी देखा होगा ठीक है अब मैं अगर इसी परसेप्शन से जाता हूँ तो मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं जब अपनी सोसाइटी में नीचे जाके लोगों से मिलता हूँ कभी सैटरडे संडे में इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे एक भी आदमी नहीं मिलता जो ये मेरे से कहता हूँ मैं एनडी देखता हूँ वह कहता जी मैं तो टाइम्स ना देखता हूँ वह कहता मैं जी न्यूज़ देखता हूँ मैं आज तक देखता सो रिमोट तो सर्जिकल स्ट्राइक कर ही रहा है बैठ के ऑलरेडी अगर आप नेगेटिव करोगे चीजों को लगातार बेवजह करोगे आप वजह से करो पीपल विल रिस्पेक्ट यू आप बेवजह करो पीपल विल स्टॉप वॉचिंग यू एंड दिस इज वॉट इज ऑलरेडी हैपनिंग है चैनल आपको क्या लगता है कि सरकार फोन करती है किसी चैनल को कि यार आज इस खबर को ऐसे चलाना आपको क्या लगता है कि पीएमओ से कॉल आता होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज इतना शानदार भाषण दिया तुम लोग क्यों नहीं चला रहे हो ऐसा नहीं होता सर जितने लोग मुझे मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आपने काम किया यहाँ लेकिन कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा प्रधानमंत्री ना मनमोहन सिंह करते थे ना राजीव गांधी करते थे इंदिरा गांधी का सबको पता है जब उन्होंने किए ठीक है।, है लेकिन उनके बाद सरकारें ये नहीं कहती हैं कि भाई आप हमारे प्रोग्राम चलाओ या हमारी चीज़ों को दिखाओ सरकारों को ये पता है टी चैनल पर दिखाना अपना तो स्लॉट खरीदना पड़ेगा विज्ञापन लेती हैं वो विज्ञापन दिखाते हैं उनके लेकिन अगर आप बेवजह एक व्यक्ति विशेष के प्रेम में या उसकी नफरत में एक तरफा चीजें दिखाओगे तो कुछ समय के बाद लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि भाई इनका एजेंडा कुछ और है इनका एजेंडा आपको केवल खबर दिखाना नहीं है और वहां पे फिर लोग क्या करेंगे बटन दबा देंगे रिमोट का और उन्होंने दबा रखा आजकल जिस दिन हमारा उनको लगने लगेगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं या ये ज्यादा कर रहे हैं या ये कम कर रहे हैं हमारा भी रिमोट का बटन दबा देंगे उनको कोई और पसंद आने लगेगा एंड दैट डे विल बी द डे दैम वी विल हैव टू सिट एंड लुक बैक कि भाई हमसे कहाँ गलती हुई है उस दिन या तो हम ये कह लें कि सरकार अब व्यक्ति की आज़ादी का दमन कर रही है देखो हमारी वीअरशिप कितनी घट गई या फिर हम ये सोचें कि भाई हमसे कहाँ गलती हुई ओके लेटस स्टार्ट अ फ्रेश और फिर नए सिरे से सोच के और नई दिशा में आगे बढ़ाएँ कॉम्पिटिशन में रहना है तो वरना शटर डाउन और चलो कुछ और दुकान खोलेंगे from the other spectrum uh, from the media house spectrum and uh, what is your opinion is there any way that they can break this mold is it uh, is it only the ratings which are going to bring about that change like if, 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 what what it seems to me is, uh, right now uh, from what you, you just said is that uh, it has to be driven from a common man But, ultimately channel chalta kaise chande se chalta nahi vigyapan se chalta hai. एक बिज़नेस हाउस एक समय तक ही पैसा कम्पिन कर सकता है उसको चलाने के लिए अगर आपने तीन चार सौ पाँच सौ लोगों को नौकरी दे रखी है उनको सैलरी देते रहने के लिए एक बिज़नेस हाउस के पास कितने दिन का बजट होगा कितने दिन का पैसा होगा दो महीने तीन महीने चलिए बहुत ज़्यादा हुआ तो छः महीने ओके मैं कहता हूँ फ़ॉरन फंडिंग हो गई कहीं से दाऊद इब्राहिम ने भी पैसा लगा दिया कि चल तू मेरे लिए करता रह एक साल कर लेगा डेढ़ साल कर लेगा उसके बाद तो दाऊद इब्राहिम भी कहेगा कि भाई माफ़ कर मुझे ना तो धीरे से रिजल्ट आ रहा है सो so, फाइनली उनको कहाँ आना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट इट इज़ द एडवर्टीजमेंट दैट कीप्स अ बिजनेस रनिंग एंड वेन पीपल स्टॉप वॉचिंग यू एडवर्टाइजर इज द फर्स्ट पर्सन टू रन अवे वो कहता कि भैया ऐसा है अब तुम छोड़ दो यार अपन वहीं चला लेंगे वहाँ रामदेव का देखो वहाँ ऐड चला चला के इतना बड़ा बिजनेस हो गया मैं भी वहीं ऐड दे दूँगा <laughs> मुझे नहीं देना तुम्हारे यहाँ ऐड तो जैसे ही वो भागता है ना तब न्यूज़ चैनल को दर्द होगा तब बिजनेस हाउस को दर्द होगा कि यार मेरा जो फंड रेजिंग का काम खत्म हो जा रहा है तो मैं चलाऊंगा कैसे और वापस उसको फंड रेज करना है तो उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके मुताबिक चीजें देनी पड़ेंगी अभी तो न्यूज चैनल झूठ बोलता है कि हम वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है सरासर झूठ बोलता है और सारा चैनल यही कहते हैं कि हम तो वही दिखा रहे हैं जनता देखना चाहती है जब वो सांप बिच्छू दिखाते तब भी कहते थे पब्लिक देखना चाहती है जब वो राखी सावंत दिखाते तब भी कहते थे पब्लिक देखना चाहती है फिर जब वो क्रिकेट खेलते रहते थे दिन रात तब भी कहते थे पब्लिक देखना चाहती है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है न्यूज चैनल आपको वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है फिर चिदम्बरम साहब के बेटे को एक बार किसी ने ट्वीट कर दिया था आधी रात को घर से उठा लिया गया था उसको आज की तारीख में जितनी मंत्रियों को गाली पड़ती है कभी किसी मंत्री के किसी भी ट्वीट को आप ओपन कीजिएगा उसने मान लीजिए लिखा हो पीयूष गोयल रोज ट्वीट करते हैं दोपहर को दो बजे कि हमारे पास इतनी सरप्लस बिजली बची हुई है ठीक है स्टेट्स चाहें तो दो रुपए बावन पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट यहाँ से खरीद सकते हैं आप उसको ओपन कीजिए और फिर नीचे जाइए स्टेट तो कोई रिस्पॉन्ड करता नहीं उसके ट्वीट पे इट कि कोई स्टेट ये कहता हो कि सर हमको बिजली चाहिए और हम पैसा दे, दे देंगे हमको इतनी बिजली दे दीजिए ना नीचे जिस जिसके यहां बिजली नहीं आ रही वो मां बहन की गाली दिए पड़ा होता है उससे मंत्री को कि भाई तू ही रिस्पॉन्सिबल है साले तू तो बोल रहा है बिजली है मेरे घर में तो आ नहीं रही बिकॉज दे डोंट नो द मैकेनिज्म इज अ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज सपोज टू परचेज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन शेयर इट विद द पीपल स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि भाई क्यों हम पैसे देकर क्यों ले फ्री में दे दो अगर तुम्हारे पास सरप्लस है तो

जो जो हम जो हैं, वो ही नहीं उनको watch करते तो फिर देखो आप कहाँ रहते हो मैं में किस जगह साउथ दिल्ली में किस जगह ग्रेटर कैलाश में रहते चलो आप तो बड़ी फिर भी ठीक ठाक अच्छी पास जगह पे रहते हो आप कोई सदरोजनी नगर में या कमला मार्केट में छोले भटूरे वाला है और एक हल्दीराम है वहाँ भी छोले भटूरे मिलते हैं डू यू सी द डिफरेंस इन पैकेजिंग एग्री सो इट इज द पैकेजिंग फर्स्ट दैट सेल्स एंड देन द स्टफ लेटर कि अगर आपकी पैकिंग अच्छी है तब तो मैं पूछूंगा कि भाई साहब ये अवेलेबल है क्या अगर पैकिंग ही अच्छी नहीं है तो मैं पूछूंगा ही नहीं अवेलेबल है क्या तो प्रॉब्लम केवल वहीं आ जाती है जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट रन चैनल्स हैं आप उसमें रेडियो का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप गाड़ी में बैठते ही कभी वन ओ टू नहीं लगाओगे आप हमेशा लगाओगे .3, .3। लगाते हो क्यों क्योंकि उसको जैसी चलाते हो तो आपको यंग फील होने लगता है आपको मजा आने लगता है वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है जबकि वन ओ टू पॉइंट सिक्स जो है वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करता वो वैसे ही चलता है नमस्कार ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है हम आपको सुगम संगीत सुनाएंगे है ना तो आप उससे तुरंत चैनल चेंज कर लेते हो सिमिलर इज द केस विद ऑल देंड ऑर्गे इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइवेट चैनल्स को भी ज़रूरी है कि वो क्योंकि पैकेजिंग अच्छी करते हैं वो क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से चलने वाले हैं क्योंकि उनको पता है उनका ब्रेड एंड बटर इसी से है अगर ये नहीं चला तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी सरकारी नौकरी वाले को ये चिंता नहीं होती उसको पता है कि भाई ठीक है चैनल नहीं भी चलेगा तो सरकारी से बंद तो नहीं करने वाली मेरा काम तो चलता रहेगा सो यहाँ जब फर्क आ जाता है तो जब प्राइवेट रन ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को उठाएंगे तो वो अच्छी पैकेजिंग करके देंगे और जब वो अच्छी पैकेजिंग करके देंगे तो हम आप सब लोग देखेंगे उसको और देखेंगे तो फिर हम शेयर भी करेंगे आगे शेयर करेंगे तो चार एक्स्ट्रा लोगों को पता भी लगेगी वो बात कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा right now, अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उप गया अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना उस दिन कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे अभी तो चल रहा है जो चल रहा है बट द टाइम इज चेंजिंग पीपल हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन मतलब आज भी आप लगा दो ना गदर जी सिनेमा पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आज शाम सात से दस न्यूज चैनल्स की टीआरपी गड्ढे में चली जाएगी सारी टीआरपी जो है गदर के पास चली जाएगी क्यों क्योंकि न्यूज़ चैनल ऐसा कुछ दे नहीं रहा उसको अगर कोई न्यूज चैनल उसको बताने लगे कि ठीक है साहब मैं आपको लाइव गदर दिखा रहा हूँ चलिए मैं आपको लेके आ रहा हूँ बॉर्डर पे जहाँ आज भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है और आप लोग लगे अपने 500 के 100 के नोट रहे हैं आपको पता ही नहीं है यहाँ लोग मर रहे हैं देन पीपल विल गो एंड वॉचिंग